बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजीज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पूनम नौरीन को इतनी अच्छी किताब पे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपकी रहनुमाई की तकरीब में मौजूद नहीं थी, तो मेरे लिए ये रहनुमाई ही है। तो आपको अल्लाह ताला के कलम में मज़ीद बरकत अता फरमाए और आपकी मज़ीद ऐसी तसानीफ़ आएँ, यह यकीनन निसाई अदब में एक अच्छा इजाफा। इश्क जाविदां, इश्क जब मजाजी से हकीकी में दाखिल होता है तो जाविदां हो जाता है, और इसे इन्होंने इसका इजहार भी किया है अपनी नज़म जाविदां में। और पूनम का चांद इनकी एक और नज़म, डॉक्टर पूनम साहिबा का नाम भी इनकी तरह बड़ा खूबसूरत और मुनफरिद है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इसका इन्होंने खुद इंतखाब किया या ये रखा गया, इसके पीछे भी जो वजह है उस पर भी रोशनी डालिए। फिर मोहब्बत जो है उसकी बड़ी शक्लें होती हैं, ये रुमानवी मोहब्बत भी होती है, जैसे कि इन्होंने अपनी नज़मों में अलमिया तरबिया हर तरह की रुमानवी नज़में लिखी हैं। मोहब्बत खुदा से भी होती है, जिसका इशार इन्होंने रब नामी नज़म में किया। मोहब्बत माँ से होती है, माँ के नाम पर नज़म लिखी, बाबा के नाम पर नज़म लिखी। मुल्क व मिल्लत से मोहब्बत का इशार किया, रिश्तों की खूबसूरती और पेचीदगी को बयान करती हैं महरम और नामहरम में। और ये हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये भी कुछ समझा जाता है कि शायरी शायद हराम है या पसंदीदा चीज़ नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कफारे मक्का सताया करते थे तो कुछ सहाबा ने अशार की सूरत में उनका जवाब दिया, और हज़रत काब बिन मालिक ने ख़ास तौर पर अशार की सूरत में उनका जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद भी फरमाया। तो ये भी जो है आम लोगों की बात, आम लोगों का काम नहीं है ये लिख जाना जो ये लिख पाई हैं, क्योंकि शायर जो है वो बहुत से लोगों की दिल की बात कर रहा होता है, तो जो बात इन्होंने बयान की है वो हम सबके दिलों में है, बस फ़र्क ये है कि हम इजहार नहीं कर पाए और ये उसे बयान कर दें। तो आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ, अल्लाह ताला आपके कलम में मज़ीद बरकत अता फरमाए और आपकी मज़ीद ऐसी तसानीफ़ सामने आए। बहुत शुक्रिया।